तो फ्रेंड्स, हम तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए पत्ते तोड़ रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ बड़े बड़े पत्ते तोड़ेंगे जो नीचे की तरफ हैं, क्योंकि यदि हमने छोटे पत्ते ऊपर से तोड़े तो इनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी ना तुलसी की। और तुलसी तो सबको चाहिए ही, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वैसे भी पहले भी हम सब लोग तुलसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तो सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो हम अपने आप तोड़ेंगे, कोई और तोड़ेगा घर में, तो उसको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुलसी को आप बिल्कुल ध्यान से नीचे से बड़े बड़े पत्ते तोड़ो, जिससे कि तुलसी हमारी ख़राब ना हो। जो मंजरी आ जाती है ये भी थोड़ी थोड़ी तोड़ के हम काढ़े में डाल सकते हैं, क्योंकि मंजरी से तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है, तो मंजरी थोड़ी थोड़ी करके निकाल देनी चाहिए। ये करीब 1 लीटर पानी के लिए मैं 20-25 तुलसी की पत्ती ली है मैंने, और ये 4 से 5 इंच गिलोय की डंडी ली है। ये सूखी गिलोय है, फिर भी पूरा काम करती है। गिलोय में आप सभी को पता है कितने ज़्यादा गुण हैं, इसीलिए उसको अमृता भी कहते हैं। तो तुलसी और गिलोय का काढ़ा ही अपने आप में इतना सफिशियंट है कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा गर्म करने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हमें गर्मी कर जाता है, यदि सूट करता है तो कोई बात नहीं, तो आप सिर्फ तुलसी और गिलोय का काढ़ा भी आराम से बना सकते हैं। मैं इनको पकने रख दूँगी। मैं वीडियो आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसा बहुत ही कम होता है कि सिर्फ गिलोय और तुलसी का काढ़ा बनाते हैं, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे अच्छा है, क्योंकि इसको बच्चे भी ले लेते हैं आसानी से। इसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता तीखा कि बच्चों को परेशान करे। सिम गैस पे इसको पका लेंगे हम। ये काढ़ा करीब 3-4 मिनट में कम गैस पर, देखिए सिम गैस है कम पर, ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। और इसको थोड़ा ठंडा होने पे हम 1 कप के करीब में 1 चम्मच शहद मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। काढ़ा जो हम बनाते हैं उसमें मेन फ़ायदा गिलोय और तुलसी का ही होता है, बाकी हम जो डालते हैं उसमें काली मिर्च, इलायची या कोई और चीज़, वो सब एडिशनल है। अदरक सौंठ भी बहुत से लोगों ने डाली है, लेकिन उससे वो काफ़ी गर्म हो जाता है उसकी तासीर, तो उससे कुछ लोगों को सूट नहीं करता और बच्चों के भी टेस्ट में नहीं आता। इसलिए ये तुलसी और गिलोय का काढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रहता है सर्दी जुकाम या ऐसे ही स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए, या कहीं सूजन है तो भी गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। तो तुलसी और गिलोय के गुण तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बस मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जिससे ये ध्यान रखें आप भी कि सिर्फ तुलसी और गिलोय का काढ़ा भी अपने आप में इतना गुणकारी है कि जिसको हम आराम से ले सकते हैं। और भी कभी गर्मी के सीज़न में हम लोगों को गर्म चीज़ के काढ़ा नुकसान देता है, लेकिन ये तुलसी और गिलोय का काढ़ा आप पूरी गर्मियों में, जिन लोगों को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती उनको भी सूट करता है, और इसके भरपूर गुणों का फ़ायदा हम उठा सकते हैं आसानी से। अब मैं इसको 1 चम्मच शहद मिक्स करके बच्चों को दे दूँगी। थैंक यू।